महाशिवरात्रि पर भोले बाबा के दर्शन के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। कसरावद क्षेत्र की मां नर्मदा के तटों पर महाशिवरात्रि के दिन शनिवार को समूचा माहौल शिवमय रहा। प्रमुख तीर्थ स्थलों एवं शिवालयों में भक्तों ने आस्था के साथ मां नर्मदा में डुबकी लगाई, साथ ही भगवान शिव का जलाभिषेक किया। हर हर महादेव की जयकार के साथ कांवरियों का जत्था पहुंचा और सभी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना की। कसरावद क्षेत्र के शिवालय एक दिन पूर्व ही भव्य रूप से सजाए गए। इस तरह नावडा टोड़ी शालीवाहन प्राचीन शिवलिंग का श्रृंगार किया गया। ऐसा ही नर्मदा तट के ग्राम बलगांव में भूतेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों ने जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की, साथ ही प्रसाद भी वितरित किया गया। नर्मदा तटों के इलाकों में जगह जगह शिवालयों में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। माँ नर्मदा की गोद में बसे शालीवाहन मंदिर में भक्तों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। शालीवाहन मंदिर में शिवलिंग की पूजा, ऋषि मुनियों ने यहां तपस्या की। नावाटोली शालीवाहन मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व का विशेष महत्व है। लोक मान्यता के अनुसार शिवलिंग का विशाल संग्रह है। मां नर्मदा नदी के तट पर स्थित शिव मंदिर नावाटोली शालीवाहन देवनगरी के साथ साथ स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि को एक दिवसीय मेला लगता है। शिवालयों में बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालुओं ने दूध दही और शहद से शिव ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक कर देवों के देव महादेव से विश्व शांति की कामना की। और इस तरह महाशिवरात्रि के दौरान विशेष आकृति के अद्भुत शिवलिंग के जलाभिषेक को श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। संवाददाता सेवक राम चौबे की रिपोर्ट। नावड़ा टोड़ी घाट पर खड़े हैं, जहां पर श्रद्धालुओं द्वारा आज महाशिवरात्रि पर्व को लेकर भारी तादाद में भीड़ देखी जा रही है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि महेश्वर किला भी दिखाए, जहां पे बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित हो रही है और स्नान चल रहा है। कैमरामैन जाहिद अजमेरी के साथ सेवक राम चौबे, संवाददाता आर न्यूज़ भारत। Okay.